इस पिक्चर में जिस जानवर को आप देख रहे हो वो खरगोश है। एंड 1859 में थॉमस ऑस्टिन नाम का एक ब्रिटिश इंसान जब ऐसे ही 24 खरगोश ऑस्ट्रेलिया में लेकर आया तो उसके बाद जो हुआ वो अनजाने में ऑस्ट्रेलिया के लिए एक इकोलॉजिकल नाइटमेयर साबित हुआ। थॉमस ऑस्टिन जब ऑस्ट्रेलिया में नया नया सेटल हुआ तो उसने अपने पुराने शिकार के शौक को जारी रखने के लिए ऑस्ट्रेलिया में 24 जंगली खरगोश इंग्लैंड से इंपोर्ट कराए। फिर जब ये खरगोश ऑस्ट्रेलिया पहुंचे तो उन खरगोशों को ऑस्ट्रेलिया एक जन्नत लगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में इन खरगोशों के लिए बहुत सारा खाना था। एंड जल्द ही ये खरगोश पूरे देश में फैल गए। 70 साल से कम टाइम में पूरे ऑस्ट्रेलिया में लगभग 10 अरब से ज्यादा खरगोश हो गए और एक सिंगल फीमेल खरगोश साल में 18 से 30 बच्चे रिप्रोड्यूस कर रही थी। इन खरगोशों ने देखते ही देखते ऑस्ट्रेलिया के खेतों में तबाही मचा डाली। फिर 1950s में ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने एक वायरस इंट्रोड्यूस किया जिसने 90% खरगोशों को मार डाला, लेकिन जो बच गए उनसे रैबिट्स की पॉपुलेशन फिर बढ़ गई।